नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे उस इन्फेक्शन के विषय में जो हम लोगों का साथ नहीं छोड़ता है, कभी ना कभी यह होता रहता है। खास तौर पे हमारे घर महिलाओं को यह ज़्यादा होता रहता है। बात करेंगे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के विषय में, यूटीआई के विषय में, जिसमें पेशाब में जलन होती है और मरीज़ परेशान रहता है। यूटीआई बहुत कॉमन इन्फेक्शन बैक्टीरिया का इसलिए है क्योंकि यह एक पूरे यूरिनरी सिम्टम में कहीं भी इफेक्ट कर सकता है। यह आपकी किडनीज को इफेक्ट कर सकता है, यह आपकी पेशाब की नली यानी यूरेथ्रा को इफेक्ट कर सकता है, यह आपके यूरिनरी ब्लैडर यानी पेशाब की थैली को इफेक्ट कर सकता है, यह तमाम आपके ऑर्गन्स को, पूरे यूरिनरी ऑर्गन्स को इफेक्ट कर सकता है। जब यह किडनी तक इफेक्ट करता है तो यह थोड़ा स्थिति घातक हो जाती है, बाकी स्थिति धीरे धीरे ठीक हो जाती है, उसमें बहुत दिक्कत नहीं आती है। आज हम आपको बताएंगे यूटीआई को दूर करने की, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को दूर करने की कारगर होम्योपैथिक दवाओं के विषय में, जो आपको बार बार यह यूटीआई नहीं लाने देंगी और आपको परमानेंटली ठीक कर देंगी। बात कर लेते हैं यूटीआई के सिम्टम्स की। यूटीआई जब होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तो हमको क्या क्या सिम्टम दिखते हैं? बहुत से सिम्टम्स से आप वाकिफ होंगे। पहला सिम्टम इसका ये होता है, पेशाब में आपके जलन होने लगती है। दूसरा सिम्टम होता है, पेशाब बार बार जाना पड़ता है। तीसरा सिम्टम होता है, पेशाब रुक रुक के होता है। चौथा सिम्टम होता है, लोअर एब्डोमेन में पेन होने लगता है, फिर पेशाब में प्रोटीन आने लगता है और पेशाब की अर्जिंग हर वक्त लगी रहती है। यह सब तमाम कॉमन सिम्टम है जो यूटीआई की स्थिति में पाए जाते हैं और मरीज़ को परेशान करते हैं। यूटीआई के तमाम कॉजेज हो सकते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज जो इसका होता है, वह बैक्टीरिया होता है, एस्टीरिया कोलाई। यह बैक्टीरिया से आप इन्फेक्ट होते हैं और फिर यह बैक्टीरिया आपके यूरिनरी ब्लैडर यानी पेशाब की थैली में ग्रो करने लगता है और यह सिस्टाइटिस कॉज करता है। सिस्टाइटिस यूरिनरी ब्लैडर की सूजन को कहते हैं और यह सबसे कॉमन फॉर्म है यूटीआई का। इसके अलावा आपके यूरेथ्रा में, जो कि फीमेल्स में यह ज़्यादा होता है क्योंकि उनका जो जीआई ट्रैक होता है उसके रेक्टम और उससे दूरी कम होती है, तो जल्दी इन्फेक्शन फीमेल्स को इसीलिए जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है। उनका जो वो होता है, उनका जो इन्फेक्शन होता है वह जीआई ट्रैक से होता हुआ, वजाइना के थ्रू होता हुआ पूरे यूरेथ्रा पोर्शन में पहुंच जाता है और इसको यूरेथ्राइटिस को यानी यूरेथ्रा के इन्फ्लेमेशन को, पेशाब की नली के इन्फेक्शन को कॉज करता हुआ बैक्टीरिया को ऊपर तक किडनी तक इन्फेक्ट कर देता है। आज हम आपको बताएंगे यूटीआई को ठीक करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाओं के विषय में। दवाएं बताने से पहले साथियों, हम आपको फिर बता दें, मैं हर वीडियो में बताता हूं कि दवा बिना डॉक्टर के सलाह के ना लें, क्योंकि दवा और उनके सिम्टम मरीज और मरीज के हिसाब से भिन्न हो सकते हैं। हो सकता है इन दवाओं के अलावा कोई दवा हो जो आपको सूट करे। फिलहाल चलते हैं उस सफ़र पर और आपको बताते हैं यूटीआई को बार बार आपको जो यूरिनरी इन्फेक्शन होता है, इससे निजात पाने की कारगर होम्योपैथिक दवाओं के विषय में। सबसे इम्पॉर्टेंट दवा साथियों यूटीआई को दूर करने की होम्योपैथी में है कैंथेरिस वेसिकोटेरिया और एपिस मेलिफिसिया। यह दो बहुत कारगर दवाएं हैं जो आपको यूटीआई को ठीक करने में बहुत समर्थ हैं। इनका प्रमुख सिम्टम ही आपकी यूरिन में बर्निंग है। अगर पेशाब में जलन हो रही है तो यह दोनों दवाएं आपके लिए हैं। कैंथेरिस वेसिकोटेरिया का मेन सिम्टम है कि जब आप यूरिन के पहले, यूरिन पास करने के दौरान और यूरिन के बाद, तीनों स्थितियों में आपके जलन होती है। अगर आपके यूरिन में बर्निंग हो रही है, पेशाब करने में जलन हो रही है, पेशाब करने से पहले, पेशाब करने के दौरान और पेशाब करने के बाद, तो आपके लिए होम्योपैथी में इसकी कारगर दवा कैंथेरिस वेसिकेटोरिया है। इसको लेकर आप अपनी समस्या से निजात पा सकते हैं, यूटीआई को हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। दूसरी दवा जो इसी श्रृंखला की साथियों है, बर्निंग मिक्चुरेशन की, बर्निंग यूरिन की, वह है एपिस मेलिफिसिया। एपिस मेलिफिसिया 32 बूंद दिन में 3 बार उस स्थिति में कारगर है जब आपके यूरिन पास करने के बाद बर्निंग हो रही है।
एपिस के मरीज को प्यास नहीं लगती, वह पानी नहीं पीता है, जिसके कारण बार बार उसके यूटीआई होता रहता है, बैक्टीरिया का लोड उसका बढ़ा रहता है और यूरिन करने के बाद जलन होती है। अगर वह सिम्टम आप में है तो उसको 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें, आप देखेंगे कि आपका यूटीआई ठीक हो गया। फिर एक स्थिति आती है साथियों कि आपके जो यूटीआई हो गया और फिर आपके यूरिन में एल्ब्यूमिन प्रोटीन तक आने लगा। अगर यह कंडीशन आपके यूरिन इन्फेक्शन में हो तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है टेरिबिंथ। आप टेरिबिंथ 32 बूंद दिन में 3 बार ले लें। आपका जो यूरिन इन्फेक्शन के साथ आपके प्रोटीन तक पेशाब में आने लगा है, सफ़ेदी आने लगी है, वह ठीक हो जाएगी और आप अपने को स्वस्थ पाएंगे। फिर एक कंडीशन आती है साथियों यूटीआई की कंडीशन में कि जब यूरिन आप जस्ट करने को ख़त्म कर रहे हैं तो बर्निंग अचानक शुरू हो गई। तो अगर यूरिन के पास करने के लास्ट टाइम में आपको बर्निंग हो तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में 2 कारगर दवाएं हैं। पहली दवा है सरसा पैरेला और दूसरी दवा है नाइट्रम्यूर। सरसा पैरेला उस स्थिति में बहुत कारगर दवा है जब आपके बिल्कुल प्यास नहीं लगती है, आप पानी भी बहुत कम पीते हैं और आप जब यूरिन पास कर लेते हैं उसके लास्ट पार्ट के दौरान आपको बर्निंग शुरू हो जाती है, पेन शुरू हो जाता है, उस कंडीशन को दूर करने की दवा सरसा पैरेला है। और नाइट्रम्यूर उस स्थिति में बहुत कारगर दवा है नाइट्रम्यूरेटिकम, जिस स्थिति में आपके बर्निंग हो रही है लास्ट पार्ट ऑफ यूरिन पास करने में और आपके बार बार यूरिनेशन हो रहा है, आपको हर 15-20 मिनट पे यूरिनेशन जाना पड़ रहा है, उस स्थिति में आप नाइट्रम्यूरेटिकम का इस्तेमाल करके स्वास्थ्य लाभ पा सकते हैं। फिर एक स्थिति आती है कि आपको बार बार पेशाब भी लग रही है और बार बार आपको स्टूल लैट्रिन मोशन भी लग रहा हो। अगर दोनों स्थिति आपकी एक साथ हो तो इस स्थिति से भी निपटने के लिए होम्योपैथी में दवा है। यह स्थिति अगर यूटीआई के साथ उत्पन्न हुई है तो इसको ठीक करने की बहुत कारगर दवा है डिजिटैलिस परपुरिया। आप डिजिटैलिस 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें। अगर आपके यूरिनरी सिम्टम्स हैं और साथ में आपके रेक्टल सिम्टम भी, यानी आपको यूरिन भी बार बार लग रही है और बार बार मोशन भी आपको जाना पड़ रहा है, तो दोनों स्थितियों को एक साथ ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है डिजिटैलिस परपुरिया। एक स्थिति साथियों आती है यूटीआई की स्थिति में जब आपके पेशाब में जलन तो हो ही रही है और साथ में आपके पेशाब में बदबू बहुत आ रही है। तो यदि यह कंडीशन आपके हो यूटीआई की स्थिति में, यूरिन इन्फेक्शन की स्थिति में, कि जब आपको पेशाब में बदबू बहुत है, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है एसिडम नाइट्रिकम। आप एसिडम नाइट्रिकम 30 पावर में 2-2 बूंद ले सकते हैं। इससे आपका यूरिन पास करने के दौरान जो ऑफेंसिव ओडर है वह भी ख़त्म हो जाएगी और आपका यूटीआई भी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, बार बार ये नहीं होगा। इसको 200 पावर में 3 खुराक आप 5-5 मिनट के फासले पर वीकली ले लें। फिर एक स्थिति आती है कि आपको बार बार यूरिन जाना पड़ रहा है। अगर यह स्थिति आप में हो कि फ्रीक्वेंटर जो हर आधे घंटे पे आप यूरिन जा रहे हैं, तो इसकी 2 कारगर दवाएँ हैं। पहली दवा है नाइट्रम्यूर और दूसरी दवा है पेट्रोसिलाइनम। पेट्रोसिलाइनम 30 पावर में आप 2-2 बूंद उस स्थिति में ले सकते हैं कि जब बार बार आपको फ्रीक्वेंट अर्ज हो रही है, हर आधे घंटे पे आपको जाना पड़ रहा है और आपको तकलीफ़ हो रही है। पेट्रोसिलाइनम के मरीज की यूरिन में बर्निंग बहुत ज़्यादा होती है फ्रीक्वेंट अर्ज के साथ। और नाइट्रम्यूरेटिकम 1 mg पावर की 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर उस स्थिति में कारगर है जब आपके पेन हो रहा हो, यूरिन पास करना पेनफुल हो रहा हो, उस स्थिति में फ्रीक्वेंट मिक्चुरेशन की स्थिति में नाइट्रम्यूर बहुत कारगर दवा है। इसको आप वीकली लेके स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। फिर एक स्थिति आती है साथियों कि आपके यूटीआई और हर समय पेशाब करने की इच्छा बनी रहती है। अगर हर पल पेशाब करने की इच्छा बनी रहे यूरिन के कारण, यूटीआई के कारण, और आप बार बार पेशाब जाते हो लेकिन पेशाब आपको थोड़ी सी होती हो, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है इक्विसिटम। यह विशेष तौर पर बच्चों की बेड वेटिंग की भी बहुत अच्छी दवा होती है और स्ट्रेस यानी तनाव खांसी के कारण जो यूरिन आ जाती है उसकी भी बहुत अच्छी दवा होती है, लेकिन हम यह बात कर रहे हैं यूटीआई की। तो यूटीआई को ठीक करने की इक्विसिटम ऑटमनेल बहुत कारगर दवा है उस स्थिति में कि जब आपके हर वक्त यूरिन की अर्जिंग लगी रहती हो और इनवॉलेंट्री यूरिन पास भी हो जाती हो यूटीआई के कारण। फिर एक दवा आती है जिससे हम आप सब वाकिफ़ हैं,
और जो बहुत कारगर दवा है, जब आपके गुर्दों में दर्द होने लगा, यानी पीछे यहाँ पर पीठ के पिछले हिस्से में, पीठ के पिछले हिस्से में, निचले हिस्से में आपको दर्द होने लगा, यानी किडनीज में आपको पेन होने लगा यूटीआई के कारण, इन्फेक्शन आपका किडनी तक आ गया, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है बर्बेरिस वल्गेरिस। आप बर्बेरिस वल्गेरिस का मदर टिंचर 20 बूंद सुबह शाम अगर दो टाइम आधे कप पानी में पी लें तो इससे आपकी किडनी भी स्वस्थ हो जाएगी और आपका यूटीआई भी ख़त्म हो जाएगा, और अगर आपके गुर्दे में कोई पथरी है तो पथरी भी निकल जाएगी। उस तो उन स्थितियों को ठीक करने के लिए आप बर्बेरिस वल्गेरिस का इस्तेमाल बेशक कर सकते हैं। फिर साथियों एक कंडीशन आती है कि जब बच्चों के यूटीआई हो गया, अगर बच्चों के यूटीआई यूरिनरी ट्रैक का इन्फेक्शन हो गया, पेशाब की नली में इन्फेक्शन हो गया जिससे पेशाब में जलन हो रही है, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में दो बहुत कारगर दवाएं हैं। पहली दवा है बोरेक्स और दूसरी दवा है सरसा पैरेला। बोरेक्स 200 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार स्थिति में बहुत कारगर दवा है। जब बच्चे के यूरिन पास नहीं हो रही, उसके इतना ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया है कि वो पेशाब कर ही नहीं पा रहा है, अगर यह स्थिति हो तो उस स्थिति को ठीक करने की दवा बोरेक्स है। आप 200 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार देकर उसको स्वास्थ्य लाभ दे सकते हैं। बोरेक्स के मरीज को ऊंचाई से भी बहुत डर लगता है, उसको सीढ़ियाँ चढ़ने में डर नहीं लगता लेकिन सीढ़ियाँ उतरने में बहुत डर लगता है। ये एक पिक्यूलर सिम्टम है जो बोरेक्स के साथ है। बोरेक्स मुंह में छालों की भी बहुत अच्छी दवा है, तो अगर छाले भी साथ में पड़ते हों तो समझ लीजिए ये दवा आप ही के लिए यूटीआई को ठीक करने के लिए बनी है। और दूसरी दवा है सरसा पैरेला। सरसा पैरेला 30 उस कंडीशन में बहुत इफेक्टिव दवा है जब आपके पेशाब की जलन हो रही है और साथ में आपके पेशाब से खून आ रहा है, उस स्थिति में बच्चे के लिए सरसा पैरेला से बढ़िया दवा नहीं हो सकती। आप सरसा पैरेला 30 दो दो बूंद दिन में तीन बार देकर बच्चे के यूटीआई को ख़त्म कर सकते हैं और उसके पेशाब में खून आने की तकलीफ को भी खत्म कर सकते हैं। फिर एक स्थिति आती है कि आपके यूटीआई हो गया है और आपके पेट में खौलन हो रही है, पेट लग रहा है डाउन हुआ जा रहा है, पेट ढीला पड़ा जा रहा है, यह स्थिति अगर होती है आपको और साथ में आपको यूटीआई है स्टमक के कंडीशन के कारण के साथ, तो इसको होम्योपैथी में ठीक करने की बहुत कारगर दवा है एपोसाइनम। आप एपोसाइनम 32 बूंद दिन में तीन बार ले लें, आप देखेंगे कि आपका यह जो स्थिति है ठीक हो गई और आप स्वास्थ्य लाभ पा गए। फिर साथियों जो यूटीआई की सबसे कॉमन कंडीशन होती है कि यूटीआई हो गया महिलाओं में यूटीआई का ज़्यादा चांस होता है, तो अगर वह स्थिति महिलाओं में यूटीआई की हो रही तो उसकी दो कारगर दवाएं हैं। पहली दवा है सीपिया और दूसरी दवा है स्टेफिसैग्रिया। सीपिया 32 बूंद दिन में तीन बार उस स्थिति में बहुत कारगर दवा है। जब आपके यूटीआई हो गया है, आपको लग रहा है कि आपका सब कुछ नीचे की तरफ निकल जाएगा बाहर, प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस हो रहा है, बच्चेदानी बाहर आ जाएगी और आपके काफ़ी बर्निंग के साथ यूरिन पास हो रहा है, उस स्थिति की दवा होम्योपैथी में सीपिया है या सीपिया आपको लाभ दे देगी। दूसरी दवा इसी स्थिति की स्टेफिसैग्रिया है। स्टेफिसैग्रिया 32 बूंद दिन में तीन बार महिलाओं में यूटीआई के लिए, यूटीआई को ठीक करने के लिए उस स्थिति में कारगर है जब उनके यूरिन इन्फेक्शन हुआ हो और साथ में उनके पेन बहुत हो रहा हो यूरिन पास करते वक्त, कटिंग टाइप पेन हो, रेतने चीरने काटने वाला दर्द हो, अगर यह वह सिम्टम आप में हो तो यूटीआई की उन महिलाओं के लिए सबसे कारगर दवा स्टेफिसैग्रिया है। इसको आप 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार लेके स्वास्थ्य लाभ पा सकते हैं। फिर एक स्थिति आती है कि आपकी यूटीआई है और आपको पेशाब करने में बहुत जोर लगाना पड़ता है और आपके जलन होती है, तो अगर यह स्थिति हो कि आपको पेशाब बहुत जोर लगाने से होती हो तो उस स्थिति को होम्योपैथी में ठीक करने की बहुत कारगर दवा है मर्कोर। आप मर्कोर 32 बूंद दिन में तीन बार ले लें, आप देखेंगे कि आपका यह जो पेशाब लगाने के दौरान आपको ताकत लगाने का जोर लगाने की स्थिति है वहाँ भी ठीक हो गई और आपका यूटीआई भी ठीक हो गया। यह कैंथेरिस से थोड़ा फर्क आता है, कैंथेरिस में जलन ज़्यादा होती है, जोर कम लगाना पड़ता है, लेकिन मर्कोर में होता है कि आपको जोर ज़्यादा लगाना पड़ता है और जलन कम होती है। फिर बात आती है पुरुषों की, अगर पुरुषों में यूटीआई है प्रोस्टेट बढ़ने के कारण, तो इसकी होम्योपैथी में ठीक करने की दो बहुत कारगर दवा है। पहली दवा है सबल सेरुलेटा और दूसरी दवा है चीमाफिला अम्लिकाटा।
सबल सेरुलेटा 32 बूंद दिन में 3 बार उस स्थिति में पुरुषों में बहुत कारगर है यूटीआई में जब उनका प्रोस्टेट बढ़ा हो और उनको पेशाब खुल के ना हो पा रही हो, पेशाब रह गई, पेशाब करी पेशाब रह गई, या प्रोस्टेट का सिम्टम है और यह पूरी तरह से इस दवा में बहुत कारगर रूप से सामने आता है। दूसरी दवा इसी कंडीशन की साथियों है चीमा फिला अम्लिकाटा। चीमा अम्लिकाटा फिला अम्लिकाटा प्रोस्टेट को ठीक करने की भी बहुत कारगर दवा है और प्रोस्टेट के कारण यूटीआई को ठीक करने की भी बहुत कारगर दवा है। उस स्थिति में जब आपका पेशाब आपको हो ना रही हो, ब्लैडर आपका पूरा फुल हो गया और पूरी जलन के साथ कतरा कतरा निकल रही हो, उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा चीमा फिला अम्लिकाटा है। फिर एक थोड़ी कठिन स्थिति प्रोस्टेट की जब आ जाए, उसकी यूटीआई की आ जाए कि आपके पेशाब में पस और खून आने लगा और आपको यूटीआई की शिकायत है, उस स्थिति को होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है दूर करने की और दवा का नाम है उवा उर्सी। उवा उर्सी 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार लेके आप अपने उस पेशाब में आने वाले खून और पस को जो यूटीआई के कारण आ रहा है उसको ठीक करके स्वास्थ्य लाभ पा सकते हैं। आप में आने लगा है, सफेदी आने लगी है, वह ठीक हो जाएगी और आप अपने को स्वस्थ पाएंगे। ये कुछ दवाएं थी साथियों यूटीआई के विषय में। मैं फिर बता दूं कि कोई भी दवा बिना चिकित्सक से, कुशल चिकित्सक से प्रिस्क्राइब करे बिना ना लें, क्योंकि जिन दवाओं का फ़ायदा होता है उनका नुकसान भी हो सकता है। मेरा ये प्रयास था आपको होम्योपैथी के करीब लाने का, होम्योपैथी की जानकारी देने का। अगर आपके मन में कोई सवाल उठ रहा हो इस विषय को लेकर तो आप नोटिफिकेशन पैनल में अपने क्वेश्चन को पोस्ट कर सकते हैं, हम आपको उसका संतोषजनक जवाब देने का प्रयास करेंगे। या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 94 15 786 पर अपनी क्वेरी व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको इसका संतोषजनक जवाब दे दिया जाएगा। ये साथियों कुछ दवाएं थी यूटीआई की। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो, होम्योपैथी को आपके करीब लाने का, अवेयर बनाने का, जानकारी देने का प्रयास ठीक लगा हो और इस वीडियो से समाज को लाभ प्राप्त होने की स्थिति आपको दिखती हो, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल नोटिफिकेशन बटन को दबाकर हमारा सबसे नया वीडियो सबसे पहले प्राप्त करते रहिएगा। आपका इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए, साथ देने के लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you.